चाय पोए जलेबी जो करना एक बार करा दे खत्म कर। मैंने कहा मैं मेरे घर में घुस के एक गिलास पानी पी लूं। हाँ पी ले, पर याद रखना दादी कूदी है। मैंने कि दादी कहाँ कूदी? ये चुनाव में कूदी। मैं दूसरी बार घुसा, दूसरा चिल्ला, अरे कहा पंडित चाची लड़ रही। मैंने रिपोर्ट डाल, पहले भी लड़ती थी, बोले नहीं अब मेरे से नहीं लड़ती, चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। मैं तीसरी बार घुसा, तीसरा चिल्ला, इस बार भाभी को उतार रहे। मैंने पहले डैडी को उतारा था तो डेड बॉडी बाहर आई थी, तेरा कुआं गहरा है। बोले नहीं कुएं में भाभी नहीं उतरी, मैं फिर चुनाव में उतार। मैं चौथी बार घुसा और चौथे ने कोई ढंग की बात की हो तो प्रत्येक वो श्रोता जिसने अभी तक एक बार भी ताली बजाने की जहमत नहीं की वो भी ताली बजा देना। मैं चौथा अभी अभी रुको, पार्ले का बिस्कुट चाय में कितनी देर रखना ये अकल अपन में होनी चाहिए। मैं चौथी बार घुसा और पीछे से एक चौथा चिल्लाया, मिसेस का ध्यान रखना। मैं किसकी मिसेस? मेरी मिसेस तेरी और ध्यान में रखूं? नहीं वो खड़ी है। मैं खड़ी है तो बिठा दे, ये पहले भी तो बैठी थी। नहीं पहले मैं नहीं बिठाई थी क्योंकि अपना चुनाव चिन्ह गलत था। अच्छा क्या था? डूबता सूरज। इस बार क्या उगता सूरज है? नहीं इस बार भागती भैंस है। मैंने कहा क्यों रे घोंचू, भैंस तो बैठी हुई ले लेता, भागती भैंस के पीछे? नहीं पीछे मिसेस खड़ी डंडा लेके, अब तो भाग नहीं है, अब तो पोस्टर छप गए। पट्टे ने पीले कागज पे काले से छपवाया, भीतर की जेब से पोस्टर निकाला। मैंने बड़ी मुश्किल से घड़ी खोली, पोस्टर देखा तो मैं चौंका। मैंने क्यों रे इस पोस्टर में तो दो भैंस है। वो बोला ढंग से देख, इधर वाली भैंस है, इधर वाली मिसेस है। इधर से लंगड़ा चला आ रहा, चुनाव चल रहा, कोई फिरी नहीं गाँव में, इधर से लंगड़ा चला आ रहा। अले क्या उतने ही बात चलता लेगा, मैं भी खला। मैंने तेरे हाथ में पट्टा डाला, पाँव में प्लास्टर चढ़ा तो फिर क्यों खड़ा? मुंती पलती के चुनाव में खड़ा। मैंने कहा कुर्सी पड़ी तू बैठ जा, खले होने का टाइम तो यही है। जिंदाबाद। मैंने कहा फिर खड़ा हो जाना, अभी तो बैठ जा, तेरे हाथ में पट्टा डाला, पट्टा डले तो क्या वोट नहीं डलते? मैंने कहा बैठ जा, तेरे पैर में ताजा ताजा प्लास्टर है, ज्यादा चलेगा फिरेगा तो हड्डी खिसक जाएगी। बैठ जाऊंगा तो कुर्सी खिसक जाएगी। मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी, मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी, तुझे वोट कौन देगा? तूने तीन तीन बार तो दल बदल लिया, भाभी को भेजता ना वो कहाँ गई, उतने आदमी बदल लिया। अरे तो लड़के कहाँ है? मैंने पूछा लड़के कहाँ है? दो जेल में है, दो जेल में है। और दो दो को अभी पुलिस ढूंढ रही है। अरे तो क्यों रे पुलिस भाभी को ढूंढने नहीं गई, वो पुलिस वाले के साथ ही तो गई। अरे तो तेरा बैकग्राउंड ऐसा है तो चुनाव में खड़ा ही क्यों हुआ? नहीं फिलका खड़ा होता, फिलका खड़ा होता, मेजा खड़ा होता था, वहां कोई खड़ा नहीं रहता था। तो फिर गांव वालों ने राय दी कि भले लोगों में खड़े होने का टाइम खा गया, जाओ चुनाव में खड़े हो। जब से यही खड़ा हूँ, मेरी बेटी आती है तो दो ही टाइम रोटी का टिफिन दे जाती है। अच्छा तो घर में तेरी बेटी अकेली है? मतलब नहीं अकेली थी कल तक, रात को जमाई साहब छूट के आ गए। जमाई साहब क्या नाइट शिफ्ट में थे? आई मीन फैक्ट्री से छूटे? नहीं वो फैक्ट्री में क्यों लगेंगे, तो कहाँ से छूटे? जेल से छूटे, हमारे तो उधर ही जाते हैं, उधर से ही आते हैं। तेरा खानदान अच्छा है। जमाई जमाई साहब जेल क्यों गए थे? खराब चाल चलन के कारण पुलिस ले गई। अगले जवाब पे आपकी तालियां जरूरी है। मैंने कहा जमाई साहब जेल क्यों गए थे? खराब चाल चलन के कारण। तो छूटे कैसे? अच्छे चाल चलन के कारण। कब छूटे? 15 अगस्त को जब सब छूटे। अब वो एक हकला, हकला मफतलाल भैया, वो कोई से बात नहीं कर रहे, आकड़ के खड़ा खाली रहते नहीं, कहीं हारे तो हार जाएंगे लेकिन हाथ नहीं जोड़ूंगा। मैंने पूछा तू कैसे खड़ा? यूं ही खाली पीली खड़े। अरे तो अपने गांव में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव चल रहे हैं यार, और लोकतंत्र के यज्ञ में आहुति डालने के लिए प्रत्येक घर से एक एक आदमी खड़ा और तू खाली पीली? मैं तो खाली पीली खड़ा था। अरे तो क्या तेरे घर से कोई खड़ा नहीं हुआ क्या चुनाव में? नहीं यूं तो खड़े हैं ना बड़े पापा खड़े हैं।
बड़े पापा जिनको 2 साल पहले लकवा मार गया वो 2 साल से घर में ही तो पड़े। हाँ 2 साल से घर में ही पड़े तो फिर घर वाले बोले जब इनको कर दो खड़े। अरे तो क्यों खड़े, इसी बहाने थोड़ा घूम फिर लेंगे, गांव वालों की खबर ले लेंगे। अरे पर इस हालत में इस लकवे के मरीज को कैसे घर घर ले जाओगे, इस बार तो खटिया सही थी निकलेंगे, और अगली बार तो हालत और बिगड़ेगी तो लोग घर पे ही खबर लेने आएंगे। मैंने कहा काम का क्या होगा, काम किसे करना है, बड़े बाबा को तो खटिया पे पड़े पड़े मतदाताओं से राम राम करना, फिर जनता से वोट की अपील कौन करेगा, हम 4 भाई हैं, तुम क्या बोलोगे, हम जनता से बोलेंगे कि ऊपर बड़े पापा पड़े हैं इनको आगे बढ़ा दो, ये 80 साल के होगा अब इनकी एक बटन और दबा दो। मैंने कहा क्यों रे, ये सूखे नल, फूटी गटरे, उखड़ी सड़कें, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट, उधर सूरों के झुंड, इधर मच्छरों की भरमार, वहां स्वाइन फ्लू, इधर डेंगू बुखार, ये सब कौन देखेगा, जनता देखेगी। जनता कब तक देखेगी, 5 साल। और कभी सम्मेलन कितना टेंशन हो जाता है, यहाँ तो पुलिस वाले नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई साहब, ऐसे यहाँ पुलिस अगर पीछे खड़ी भी हो तो मैं यहाँ की पुलिस के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, यहाँ की पुलिस बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, जो दो वो रख लेती है, काली उन्होंने बजा जो भुक्त भोगी है। हमारे नागदा की पुलिस खराब है भाई साहब, हाँ सुनिएगा चेक्स वाले भाई साहब, मैं नागदा की पुलिस में एक बार पुलिस स्टेशन में गया, पुलिस वाले भाई साहब चोर को मार रहे और मारने के साथ अनशन गालियां दे रहे, तो मैंने उन्हें एक दोहा सुनाया, यानी कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरण को शीतल करे आपो शीतल हो, वो बोले अब ये पंक्तियां मेरे से सुना, पुलिस वाले की पंक्ति अच्छी लगे तो ताली बजाना सारे लोग, वो पुलिस वाला बोला कि ऐसी गाली दीजिए चोर चरण में आए, आधा माल खुद रखे और आधा हमें दे जाए। ये पुलिस की स्थिति, और पुलिस कितना शब्द है भाई साहब, 3 अक्षर का तो शब्द है, पू ली स, पू मतलब पुकारा, ली मतलब लिया, और स मतलब सटका, इतना सा तो मामला है। तब जाके कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ कि पति ने पत्नी से कहा कि मैं पति की जगह गणपति होता तो कितना अच्छा होता, तू मुझे रोज देसी घी के लड्डू खिलाती तो मेरी हेल्थ सुधर जाती, तो पत्नी ने कहा तुम्हारी हेल्थ के साथ साथ मेरी भी तो हेल्थ सुधर जाती, मैं भी तो रोज देसी घी के लड्डू खाती और हर साल तुम्हारा विसर्जन करके नए गणेश जी ले आती।